नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में काफी बड़े फेरबदल होते हुए देखे गए हैं। ऐसे में 7 चरणों में 543 सीटों पर हुए इस चुनाव में जिस तरह राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता देखी गई है, उसको देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने इस बार 99 और बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी के साथ साथ इस बार एनडीए का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। और अगर बात करें दिग्गजों की सीट की, तो इस लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ खास नहीं रहा है। जहां एनडीए ने इस लोकसभा चुनाव में 292 और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती, तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के जरिए जो वापसी की है, तो वो जीत आज तमाम मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो इस बार राहुल गांधी ने 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा था और वो 2 सीटें थी रायबरेली और वायनाड। और सबसे बड़ी बात ये रही कि राहुल गांधी ने दोनों ही सीटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ ये सीट कन्हैया कुमार को देंगे। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी के सामने चुनाव लड़ा था। लेकिन कन्हैया को इस लोकसभा चुनाव में निराश होकर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वायनाड सीट पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है, इसलिए अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी कन्हैया को वायनाड की कमान सौंपेंगे। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।